आप वास्तव में सिलेक्शन चाहते हो, आपको लगता है कि सर ऐसा बताओ कि हमें सिलेक्शन लेना है, कोई प्लान है, कोई स्ट्रेटजी है, तो देखो बेटा अगर सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले जरूरी है सीरियस होना। पहले तो आप अपनी जिंदगी में सीरियस हो जाओ, सीरियस होने के बाद नौकरी का सोचना। बेटा आप सोचो कि 20 फरवरी से आपके एग्जाम होने हैं, आज मैं 7 दिसंबर को वीडियो बना रहा हूं, अगर मोटा मोटा देखो तो 70-75 दिन का टाइम हमारे पास है और इतने समय में हमें सिलेबस को पूरा करना है। ना आपके पास कोई प्लानिंग है, ना कोई स्ट्रेटजी है, क्या करना है, कैसे करना है, कितने घंटे मैथ पढ़ोगे, कितने घंटे रीजनिंग पढ़ोगे, कितने घंटे करंट अफेयर पढ़ना है, कितने घंटे जीके पढ़ना है, कितने घंटे हम साइंस के 2-4 क्वेश्चन देखेंगे, कितने घंटे हम रीजनिंग देखेंगे, कितने घंटे हिंदी देखेंगे, कोई प्लानिंग नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं। आप सोचो एक गरीब आदमी जो घर पे गांव में खेती मजदूरी कर रहा है, उसे भी पता है कि अपने फसल कब बोनी है, कब काटनी है, कब उसमें खाद डालनी है, कब बीज डालें, किसान को सब पता है। एक मजदूर जो घर बनाता है वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गया, पर उसे पता है कि मकान कैसे बनेगा और सुंदर सा मकान वो आदमी बना देता है, क्योंकि उसका एक प्लानिंग है, पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद। और एक आप स्टूडेंट हो, आपको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि आप सीरियस नहीं हो लाइफ को लेकर। आप सोचते हो सर मोटिवेशन नहीं मिलता माँ बाप को चेहरे को देखकर। अगर आपके घर के हालात अच्छे हैं तो फिर SSC GD की तैयारी मत करना, किसी गरीब के काम आ जाएगी ये नौकरी। अगर आप अमीर हैं तो, क्योंकि GD की वैकेंसी तैयारी मोस्टली गरीब बच्चे करते हैं। बच्चों जब मैं तैयारी कर रहा था ना तो मैंने भी GD का फॉर्म भरा था पहली बार, क्योंकि उस समय 12th की थी और GD की वैकेंसी आई थी। तो बेटा हमें सीरियस होना होगा लाइफ में। पता है आप लोग क्या सोचते हो, ये जो उम्र है आपकी, इस समय ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करने मजा आता है, लोग कमिटेड है मोस्टली, 50% लोग तो होंगे, सोने मजा आता है, ठंड आ गई है रजाई में घुसे रहो, है ना, मजा आता है चैटिंग करने में, बातें करने में, गप्पे लड़ाने में, दोस्तों साथ मस्ती करने में, पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं है। ये नहीं सोचते कि मेरी नौकरी लगने के बाद घर के हालात कैसे होंगे, ये नहीं सोचते, सोचा ही नहीं कभी। सोचो एक बार कि आने वाले अगर 70 दिन तक तुम ईमानदारी से पढ़ लो, आने वाले 70 दिन तक मेहनत से पढ़ लो, तो मैं कह रहा हूं तुम सफल हो जाओगे। एक प्लान है आप लोगों के लिए, ये प्लान मैं 11 दिसंबर से शुरू कर रहा हूं। अगर आपका मन करता है, आप वास्तव में सीरियस हैं, आपको लगता है नहीं कमल सर इस बार मेहनत करनी है, नहीं कमल सर इस बार सिलेक्शन लेना है, कमल सर इस बार मेहनत करनी है, तो अगर आप सीरियस हैं तो 4 बातें बता रहा हूं, इन चारों बातों पर बल कर लेना। वो 4 बातें क्या है, आ जाओ दोस्तों देखिए, आपको सफलता लेने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला जो आपका सिलेबस है दोस्तों, जो आपका क्या है, सिलेबस है, अपने सिलेबस को पूरा करना। पहला काम क्या होता है, सिलेबस को पूरा करना। दूसरा काम होता है मेरे दोस्तों मॉक लगाना, क्या साथ में ही। अब देखो हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम पहले सिलेबस को पूरा करें उसके बाद हम मॉक लगाएं, तो हम क्या करेंगे, डेली सिलेबस को भी थोड़ा थोड़ा पूरा करेंगे, डेली मॉक भी लगाएंगे, ठीक है। उसका तीसरा काम क्या होता है दोस्तों, तीसरा काम होता है सेल्फ स्टडी करना, क्या सेल्फ स्टडी। अब सर सेल्फ स्टडी क्यों जरूरी है, जब हम टॉपिक वाइज पढ़ लेंगे, मॉक लगा लेंगे, क्या उसके बाद सेल्फ स्टडी की नीड पड़ेगी, हाँ सेल्फ स्टडी की नीड पड़ेगी। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट काम है रिवीजन करना, जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना। ये 4 काम करने हैं, इन 4 काम को अगर आप करते हो तो मुझे आपके 10 घंटे चाहिए। आप चाहे तो 12 घंटे पढ़ लो, आपकी इच्छा है, आप 15 घंटे पढ़ लो, आपकी इच्छा है, आप 24 के 24 घंटे पढ़ लो, आपकी इच्छा है, लेकिन कम से कम 10 घंटे पढ़ना होगा। तो अगर आप तैयार हैं तो मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, क्या आप यही कमेंट कर दीजिए। अगर आप 10 घंटे नहीं पढ़ सकते तो आप वीडियो को यही काट सकते हैं। अगर आपको मेरा प्लान, मेरा तरीका अच्छा लगता है और आप वास्तव में सीरियस हैं सफलता के लिए, तो SSC GD की पूरी तैयारी इसी चैनल मालवीय क्लासेस पे होगी। इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसी वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर दो। आइए प्लानिंग की बात करते हैं। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर हम तैयार हैं, 2-4 ने कहा नहीं हमने, तो जो नहीं वाले हैं कोई बात नहीं, आप जैसा आपका मन करे जैसा चल रहा है ना चलते रहने दो। और लगे कि नहीं इस बार सर आखिरी मौका है, सिलेक्शन लेना है, माँ बाप का सपना है घर में नौकरी मिले, एक बहू आ जाए अच्छी सी, तो आ जाओ समझते हैं। मेरे बच्चों 11 तारीख से मैं आपके लिए अर्जुन बैच शुरू कर रहा हूं, ये समझ लिए, 11 तारीख से, 11 दिसंबर से ये बैच शुरू हो रहा है। इसमें क्या करने वाला हूं ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से समझना क्या करना है हमें। हम आपके लिए 75 डेज हार्ड चैलेंज शुरू कर रहे हैं, 75 डेज। वैसे तो आपके एग्जाम में 70 दिन बचे हैं, लेकिन एग्जाम तो चलता रहेगा तो ये बैच भी चलता रहेगा, जब तक एग्जाम कंप्लीट नहीं होगी तब तक प्रैक्टिस चलती रहेगी। इसमें क्या करना है बच्चों, हम आपको 4 घंटा टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, हम आपको 4 घंटा टॉपिक वाइज, अभी कहा ना टॉपिक वाइज पढ़ना जरूरी है, तो 4 घंटा टॉपिक वाइज पढ़ोगे, 1 घंटा मैथ, 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा GK, 1 घंटा साइंस
हिंदी, तो चार विषय, आप चारों विषय को एक एक घंटा पढ़ोगे, इससे क्या होगा, हम 60 दिन के अंदर, हम 60 दिन के अंदर आपका सिलेबस पूरा कर देंगे, 60 दिन में सिलेबस पूरा कर देंगे, 60 दिन के अंदर हम टॉपिक वाइज आपका सिलेबस पूरा करेंगे। ये जो 4 घंटे क्लास है ना, ये मंडे टू सैटरडे होंगी, ये मंडे टू सैटरडे होंगी। सर क्या संडे में छुट्टी हो जाएगी? देखो सिलेबस बड़ा है तो संडे में मैराथन लेंगे। क्या लेंगे बेटा? तो क्योंकि देखो 60 दिन में सिलेबस पूरा करना महाभारत है, इसलिए संडे में क्या करेंगे, संडे में मैराथन लेंगे। 4 घंटा मैथ की, 4 घंटा रीजनिंग की और 4 घंटा ही जीके की, यानी कि टोटल 12 घंटे संडे में 12 घंटे पढ़ना है। मंडे टू सैटरडे कम से कम 10 घंटे पढ़ना है और संडे में 12 घंटे पढ़ना है। चार हिंदी की मैराथन नहीं होगी, मैथ रीजनिंग जीके की 4-4 घंटे की होगी। उसके बाद दोस्तों आपको 3 घंटे मॉक टेस्ट लगाना होगा, 1 घंटा मैथ का मॉक टेस्ट, 1 घंटा रीजनिंग का मॉक टेस्ट और 1 घंटा जीके का मॉक टेस्ट। किसका? 1 घंटा जीके का। तो 3 आपको लगाने होंगे मॉक टेस्ट। हिंदी का मॉक टेस्ट नहीं लगाना, हिंदी का मॉक टेस्ट में बच्चों नहीं लगाना। हिंदी की बुक यहाँ पे ना, पहले मैं साइंस सोच रहा था, फिर नहीं, मॉक टेस्ट नहीं लगवाएंगे हिंदी का, हिंदी की आप बुक पढ़ लेंगे। आप क्या कर लेंगे बेटा? हिंदी की बुक पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखो आपने क्या देखा, आपने देखा कि सर हम 3 घंटा मॉक लगाएंगे, ठीक है, तैयार हो। तो देखो यहां से आपका क्या हुआ, 4 घंटे में आपने पढ़ भी लिया और मॉक भी लगा लिया। और आप क्या सोच रहे हो? आप सोच रहे हो पहले सिलेबस पूरा कर लें फिर मॉक लगाएंगे। देखो 80% बच्चे ऐसे हैं जो सिलेबस पूरा कर चुके हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लेकिन जिनका नहीं हुआ वो सुन लो ध्यान से। उसके बाद दोस्तों 2 घंटा आपको करनी है सेल्फ स्टडी, 1 घंटा जीके की बुक पढ़ेंगे, 1 घंटा हिंदी की। देखो हम एप्लीकेशन पे पढ़ाएंगे आपको टॉपिक वाइज 1 घंटा हिंदी, लेकिन आपको बुक लेनी पड़ेगी क्योंकि समुद्र है बेटा, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, इसलिए कहा था। तो 2 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है जीके। यहां देखो हम मॉक टेस्ट भी लगवाएंगे जीके का, हम टॉपिक वाइज भी पढ़ाएंगे जीके, हम मैराथन में भी पढ़ाएंगे जीके, लेकिन हमें अधिक से अधिक पढ़ना है, हमें कोई कमी नहीं करनी, क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेना अगर सीरियस हो बच्चे। उसके बाद लास्ट 1 घंटा आपको टॉपिक वाइज जो भी हम पढ़ाएंगे, 1 घंटा मैथ पढ़ाया था तो 15 मिनट में मैथ का रिवीजन, भाई 1 घंटे में 20 सवाल सिखाऊंगा आपको, आप आराम से रजिस्टर खोल लो, 15 मिनट में रिवीजन कर लो, 15 मिनट में रीजनिंग का रिवीजन जो सीखा था आपने, 15 मिनट में हिंदी का, 15 में जीके का। ये रिवीजन क्यों करना है सोचो, आपका 70-75 दिन बाद एग्जाम है, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, एग्जाम टाइम पे खोल के बैठोगे क्वेश्चन को, तो आप सब भूल चुके होंगे। तो जो हम सुबह आपको पढ़ाएं उसे आप शाम को एक बार देख लो, ताकि ये रहे जो सवाल समझ में आया वो देख लो, क्या समझ में आया क्या नहीं आया, किस सवाल में कमी रह गई, उस कमी को अभी के अभी दूर कर लो। आप गलती क्या करते हो, आपने क्लास देख ली, क्लास खत्म हुई, मोबाइल बंद करके रख दिया और कुछ और पढ़ना शुरू कर दिया, ये पता ही नहीं चला क्या तुम्हें याद रहा, क्या तुम भूल गए। तो यार ये रिवाइज जरूरी है, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये बड़ी अजीब सी बातें हैं। अरे कमल सर आपने कौन से बड़ी बात बोल दी, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई जो हमें ध्यान रखना है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें अगर लगातार होती रहेंगी, आप लगातार पढ़ते रहोगे, तो ये बहुत कुछ साबित कर देंगी आपके जीवन में। एक बात कहना चाहूंगा, मेरे बहुत सारे साथी, हम भी तैयारी किए हैं, हमें पता है बहुत सारे बच्चे हमारी लाइब्रेरी में आके पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि बच्चे लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं 15-20-25 दिन पूरी मेहनत से पढ़ेंगे, उसके बाद छुट्टी कर देंगे 10 दिन की, 10 दिन की छुट्टी, फिर जब दोबारा पढ़ने आएंगे तो फिर दोबारा जीरो से पढ़ेंगे, दोबारा शुरू से पढ़ेंगे, ऐसे होता है ना, इसीलिए नौकरी नहीं लगती। आपको लगातार पढ़ना होगा, गैप नहीं करना, अगर आप गैप नहीं करते लगातार पढ़ते हैं तो आप अवश्य ही सिलेक्शन लेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है मालवीय क्लासेस। 11 तारीख से अर्जुन बैच शुरू हो रहा है, अर्जुन की तरह आपको तरासेंगे, जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तरासा था वैसे ही आपको तरासेंगे। 11 दिसंबर आखिरी मौका है, क्योंकि उसके बाद अगर आप जुड़ते हो तो लेट करोगे आप। अगर आप वास्तव में सीरियस है पढ़ना चाहते हैं तो 11 दिसंबर आपके लिए गोल्डन चांस है। आप मालवीय क्लासेस, कोई डाउट है कोई परेशानी है तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच आप कॉल भी कर सकते हो, टाइमिंग नोट कर लेना, बच्चे रात को कॉल करते हैं, सुबह 10 से 4 के बीच आप कॉल कर सकते हो 9761129। अगर कोई दिक्कत है परेशानी है कुछ डाउट है कुछ पूछना चाहते हो तो 9761298454। करना क्या होगा, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा बच्चों। क्या करना होगा, एप्लीकेशन, ये रहा एप्लीकेशन, कौन सा, मालवीय क्लासेस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ये लो आप मालवीय क्लासेस को डाउनलोड करोगे। जब आप डाउनलोड करोगे इसमें अपना नाम लिखोगे, मोबाइल नंबर और पासवर्ड, कुछ भी पासवर्ड डाल दो जो मन करे, अपने होने वाली का नंबर डाल दे, नाम डाल देना उसमें, ठीक है, पासवर्ड हो गया। जब आप बना लोगे तो एप्लीकेशन खुलेगा, रजिस्ट्रेशन होने के बाद एप्लीकेशन जब खुल जाएगा साथी, तो वहां पर आप पेड कोर्स में जाओगे और एसएससी जीडी का एकलव्य बैच आपको मिलेगा। ये एप्लीकेशन है, यहाँ पर एसएससी जीडी का एकलव्य बैच मिलेगा, फीस 499 रुपए है, लेकिन अभी आपको डिस्काउंट दिया है तो आपको फीस रहेगी मात्र एसएससी जीडी के बैच की फीस रहेगी मात्र 299 रुपए, तो ओनली 299 डिस्काउंट है,
प्रयास है कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाए, सोचो जिन बच्चों ने अभी तक बैच नहीं लिया, क्यों नहीं लिया होगा, उन पे पैसे नहीं होंगे बेचारों पे, या कुछ बात होगी, इसीलिए बस बहुत कम फीस की है कि आप लोग अफोर्ड कर सकें, आप लोग पढ़ सकें, आप लोग सीख सकें। तो बच्चों इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा चाहूंगा, अभी मेरी 8 बज चुके हैं, 8 बजे यूट्यूब पर मैथ की क्लास भी है, प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। तो जो बच्चे प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, जो बच्चे मैथ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उन सबका स्वागत है। बस 2 मिनट बाद मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ, आइए मैथ की प्रैक्टिस करते हैं। साथ ही में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, बैच से जुड़ जाना, फीस भी ज्यादा नहीं है, मात्र 300 रुपए में। मैंने फीस 500 रखी थी 499, जो जिसमें हम टीचर को सैलरी वगैरह सब कुछ हम अफोर्ड कर सकते हैं, रेंट वगैरह। बच्चों ने कहा सर एक बार डिस्काउंट दे दो, थोड़ा कम कर दो। मैंने ये भी पूछा कितना कर दो, कोई कह रहा 399, 350, 450, 200, 250, 150, इससे कम नहीं हो सकता था, होता तो इससे कम कर देता। ठीक है, नमस्कार बच्चों, धन्यवाद। 11 तारीख याद रखिएगा, अर्जुन बैच के साथ मुलाकात करेंगे।